नरवाना के एम कॉलेज में माइग्रेशन के नाम पर वसूली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एमए पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश के छात्र छात्राओं ने 6 दिन से कक्षाओं का बहिष्कार किया हुआ है और आज रोष स्वरूप जमकर नारेबाजी करते हुए भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी। नरवाना के एम कॉलेज में एमए के छात्र छात्राओं से माइग्रेशन के नाम पर 4,000 मांगे जा रहे हैं, जिसके विरोध में छात्र पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं। छात्राओं का कहना है कि दाखिले के समय उन्हें किसी प्रकार के माइग्रेशन का नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन अब जबरन वसूली की जा रही है, जिसका वह विरोध कर रही हैं। वहीं एक छात्र ने कहा कि वो पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उनके ऊपर माइग्रेशन के नाम पर जुर्माना लगाया हुआ है, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन उनकी मांगों को अनदेखा कर रहा है, जिसके चलते उनकी क्लासों का बहिष्कार तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। छात्र ने कहा कि अगर सोमवार तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वो भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं, जिसकी जिम्मेवारी कॉलेज प्रशासन की होगी। मैं एमए फाइनल का छात्र हूँ। हमारी पास पिछले 5 दिनों से लगातार एक ही मांग है कि हमारी जुर्माना लगाया गया माइग्रेशन के नाम पर वो माफ़ हो, लेकिन कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन दोनों मिलकर के हमारे साथ अनदेखा कर रहे हैं हमें। लेकिन आज आप देख सकते हो कि आज हमें क्लासों का से बहिष्कार किया हुआ है और यहाँ पर कोई पढ़ाई हमें नहीं कर रहे। हमारी आखिरी अपील कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार से भी है, अगर सोमवार तक हमारी बात नहीं मानी गई हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जिसका जिम्मेवार कॉलेज प्रशासन होगा। इसलिए जल्द से जल्द हमारी मांग को और हमारी समस्या को दूर किया जाए। इस दौरान कार्यकारी प्रिंसिपल संतरो लांबा ने कहा कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट पहले तो यूनिवर्सिटी ने मांगे नहीं, जब ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अंडर आते थे तो यूनिवर्सिटी ने अपने आप ले लिए थे, जिसको लेकर उन्होंने VC से मिलकर बात की। उन्होंने कहा कि जल्दी इनकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इनके माइग्रेशन सर्टिफिकेट पहले तो यूनिवर्सिटी ने मांगे क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से थे ये बच्चे, तो पिछले साल ये यूनिवर्सिटी वालों ने स्वयं ही उनसे ले लिए थे, यूनिवर्सिटी ने खुद ही ले लिए थे कुरुक्षेत्र से। तो इस बार इनकी कंटिन्यूएशन फीस जो है वो हमने जमा करा दी थी, उस समय ऐसा कोई मामला नहीं था, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी का कोई लेटर आया कि इनके माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कराए, तो वो किसी कारणवश वो सर्टिफिकेट जमा नहीं हुए, तो इसी वजह से अब यूनिवर्सिटी ने इनका वो रुका हुआ है। और हम सोमवार को भी इस हिसाब से मिले, उनसे ये बात करके आए हैं और इनके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास जारी है। आज फिर हम पत्र लिखवा के दोबारा भी इस हिसाब से मिलने जा रहे हैं और जल्द से जल्द ये मामले को समाधान इसका। सत्य खबर के लिए नरवाना से गुलशन चावला की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।